आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश की पहली महिला जर्नलिस्ट के बारे में। जी हाँ, 9 दिसंबर साल 1913 में आज के ही दिन भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट होमी व्यारावाला का जन्म हुआ था। उस वक्त व्यारावाला अपने ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे से नेताओं और आम लोगों की तस्वीरें खींचा करती थी। देश की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाने के साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। होमी के निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनका जन्म गुजरात के नवसारी में एक मध्यम वर्गीय पारसी परिवार में हुआ था। गुजरात में ही होमी के पिता पारसी उर्दू थिएटर में अभिनेता के तौर पर काम करते थे और इसके बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। होमी ने मुंबई में ही अपने स्कूली मित्र से फोटोग्राफी सीखी थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई के मशहूर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई पूरी की। आज भी देश की पहली महिला पत्रकार को पूरी दुनिया डालडा 13 के नाम से जानती है। किसी लाइब्रेरी या आर्काइव में पुराने अखबार पलटते वक्त अगर किसी फोटो की क्रेडिट लाइन डालडा 13 छपी हुई है तो फिर आप समझ लीजिए कि फोटोग्राफर का नाम डालडा 13 यानी कि होमी व्यारावाला ही है और उनके द्वारा ये फोटो खींची गई थी। होमी अपने नाम से खूब मशहूर हुई थी। उनकी इस छद्म नाम की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी पैदाइश 1913 में हुई। अपने होने वाले पति से उनकी मुलाकात भी 13 साल की उम्र में हुई थी और उनकी पहली कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी DLD 13 था। और सन 1965 में उनके पति ने जिस रोज उनके लिए ये कार खरीदी थी हिंदू कैलेंडर के मुताबिक वो तारीख भी 13 तारीख थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद होमी ने मुंबई के एक दैनिक समाचार पत्र में फोटो खींचना शुरू किया। शौक में शुरू किए गए इस काम को आगे चलकर होमी ने अपना पेशा बना लिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होमी को ब्रिटिश इन्फॉर्मेशन सर्विस में नौकरी मिल गई थी। साल 1970 में उनके पति का निधन हो गया जिसके बाद होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी को छोड़ दिया। जानकारों के मुताबिक होमी को जवाहरलाल नेहरू के पिक्चर क्लिक करना बहुत पसंद था। उन्होंने 1947 में लाल किले पर फहराए गए झंडे की तस्वीर के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की भी तस्वीरें खींची थी। साल 2011 में उन्हें भारत की सरकार की तरफ से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। होमी व्यारावाला ने अपनी जिंदगी के 40 साल अपने इस पेशे को दिए। उनके मिले अवार्ड की बात करें तो उन्हें सिर्फ पद्म भूषण अवार्ड ही नहीं मिला था बल्कि इसके अलावा 1998 में व्यारावाला को उत्कृष्ट महिला पत्रकार के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया था। बाद के दिनों में व्यारावाला ने अपने चित्रों का पूरा संग्रह दिल्ली स्थित अल काजी फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स को दान दे दिया था। 15 जनवरी 2012 को सीढ़ियों से गिरने की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। तो दोस्तों, इस तरह की स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को हमारा चैनल सलाम करता है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर हम तमाम महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।